तो स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी पांच बातें जो हो सकती हैं इस आने वाली रॉ के एपिसोड में जो 14 मई को होने वाली है, पर हम वो देख सकते हैं 15 मई को। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पांचवें नंबर पर है सेथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज। जी हाँ, ये सेगमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि वो अपना ओपन चैलेंज कंटिन्यू रखेंगे एट लंदन, मतलब जहां पर रॉ होगी वहां पर वो अपना चैलेंज करेंगे। और रूमर्स के हिसाब से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे जेसन जॉर्डन, मतलब जेसन जॉर्डन का रिटर्न हमें नेक्स्ट आने वाली रॉ में देखने को मिल सकता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन एक्सेप्ट करेगा सेथ रॉलिंस का ये चैलेंज। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट की। तो चौथे नंबर पर है क्वालिफाई मैच और बॉबी लैशली। जी हाँ, जब से बॉबी लैशली ने अपना रिटर्न किया है WWE में, उनकी अच्छी बुकिंग नहीं हुई है। हमें बॉबी लैशली का मैच देखने को मिलेगा और वो मैच होगा एक क्वालिफाई मैच, मतलब जो भी उस मैच को जीते वो क्वालिफाई हो जाएगा मनी द बैंक लैडर मैच के लिए। तो अब बात करते हैं नंबर थर्ड की। तीसरे नंबर पर आता है एक बैटल रॉयल मैच। जी हाँ, इस रॉ में हमें एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिल सकता है क्योंकि जैसे हमने पिछली रॉ में देखा कि हर कोई ये जिता रहा है कि वो क्वालिफाई होगा मनी द बैंक लैडर मैच के लिए, जीतेगा मनी द बैंक ब्रीफकेस। जी हाँ, हर कोई जैसे टाइटस वर्ल्ड वाइड, असेंशन और तो और कर्ट हॉकिंग्स भी जिता रहे हैं कि वो मनी द बैंक लैडर मैच में आएंगे। तो कर्ट एंगल सभी को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तो कर्ट एंगल को सभी को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और स्पेकुलेशन ये आ रही है कि इस रॉ में कर्ट एंगल बैटल रॉयल का अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब जो भी उस बैटल रॉयल को जीतेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा मनी द बैंक लैडर मैच के लिए। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा ये बैटल रॉयल मैच। तो बात करते हैं नंबर दो की। और नंबर दो पर है क्वालिफाई मैचेस। तो वुमेन्स की तरफ से हमें शाशा बैंक्स और बैली के बीच में मैच देखने को मिल सकता है और ये मैच होगा क्वालिफाई मैच। और शायद हमें इस लैडर मैच में रोंडा रोजी देखने को मिले। जी हाँ, ये सिर्फ रूमर्स हैं, अभी कंफर्म न्यूज नहीं है। और अगर हम मेंस की बात करें तो अभी दो नाम ही कंफर्म हुए हैं लैडर मैच के, और वो हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और फिन बैलर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉबी लैशली ऐड हो सकते हैं इस मैच में, तो तीसरे सुपरस्टार होंगे बॉबी लैशली और रूमर्स के हिसाब से चौथे होंगे एलायस। जी हाँ, मतलब अगर बैटल रॉयल हुआ तो रूमर्स के हिसाब से एलायस वो बैटल रॉयल जीतेंगे। आपको तो पता ही है कि एलायस को बड़ा पुश मिल चुका है और एलायस को क्राउड की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो शायद हमें एलायस उस लैडर मैच में देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन पर है रोमन रिंग्स और जिंदर माहौल का केस। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इस रॉ में हमें जिंदर माहौल और रोमन रिंग्स के बीच मैच देखने को मिलेगा, वो मैच होगा क्वालिफाई मैच, तो आप 50% गलत हो और 50% सही। WWE इस फ्यूड को कई एंगल से देख रही होगी, मतलब रोमन रिंग्स को क्वालिफाई मैच तो मिलेगा नहीं क्योंकि रोमन रिंग्स को क्वालिफाई मैच मिला तो फैंस समझेंगे कि क्यों रोमन रिंग्स को ही मिलते हैं रीमैचेस, और वो हार चुके थे पिछले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट मैच में, इसलिए रोमन रिंग्स को तो WWE नहीं डालेगी क्वालिफाई मैच में फिर से। तो एक मैच हमें सिंपल दिखाई दे रहा है मनी द बैंक में और वो है जिंदर माहौल और रोमन रिंग्स का। और इस रॉ में हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, मतलब रोमन रिंग्स जिंदर माहौल को ब्लेम करेंगे अपनी हार का। तो अगर आप सोच रहे हो कि ब्रॉक लेसनर का मैच होगा रोमन रिंग्स के साथ एट मनी द बैंक, तो आप गलत हो क्योंकि ब्रॉक लेसनर को शेड्यूल नहीं किया जा रहा है मनी द बैंक के लिए, और ये न्यूज PW इंसाइडर ने भी बताई है। ब्रॉक लेसनर की ओपिनियन हमें मनी द बैंक में देखने को नहीं मिलेगी। और लेटेस्ट अपडेट है कि मनी द बैंक में जिंदर माहौल और रोमन रिंग्स के मैच के बीच और WWE एक स्टिपुलेशन डाल सकती है, और वो स्टिपुलेशन होगी जो भी उस मैच को जीतेगा वो चैलेंज करेगा ब्रॉक लेसनर को। WWE ये स्टिपुलेशन एक्साइटमेंट के तौर पर ला सकती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन जीतेगा होने वाली बैटल रॉयल अगर हुई तो। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।